पिछले वीडियो के बाद हम लोग 200 सब्सक्राइबर्स और पास पहुंच चुके हैं प्यूडीपाई के, इसलिए लाइक मारते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और लाइक मारो इस वीडियो को जरूर से जरूर, क्योंकि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, ऑफकोर्स होगी। और कमेंट करो यार, हम लोग कमेंट नहीं करते हो, क्यों कमेंट करो पर अच्छे ही कमेंट करना, ओके। तो हाँ, अब टॉपिक पर आते हैं। तो आज हम लोग सभी पोकेमॉन जो जनरेशन 1 में है उनके फैक्ट्स जानने वाले हैं। ये मैंने पहले ही बना रखे, पर इस वीडियो में एक भी फैक्ट सिमिलर नहीं होंगे जो मैंने पहले बताए, तो यूनिक फैक्ट्स इस वीडियो में भी होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। तो हाँ, अब बिना कोई और बकवास के शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। फैक्ट नंबर 1, पोकेमॉन गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर बल्बसोर अकेला ग्रास टाइप पोकेमॉन था जो चार्म सीख सकता है। फैक्ट नंबर 2, एक अनोखी चीज़ है कि आइविसोर अकेला ग्रास एंड पॉइजन टाइप का डुअल टाइपिंग पोकेमॉन है जिसको इवॉल्व होने के लिए कोई इवोल्यूशन स्टोन नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी जितने भी पॉइजन एंड ग्रास टाइप के डुअल टाइपिंग पोकेमॉन है उनको इवॉल्व होने के लिए इवोल्यूशन स्टोन चाहिए ही चाहिए। फैक्ट नंबर 3, वेल वीनुसोर एग्जैक्ट सेम साइज एंड वेट का है एज कम्पेयर टू ट्रोपियस, बट ये देखने से तो लगता नहीं है। फैक्ट नंबर 4, चार्मेंडर अकेला फायर स्टार्टर पोकेमॉन था जो फील्ड एग ग्रुप से बिलोंग करता है। फैक्ट नंबर 5, चार्मेलियन एंड क्यूलावा की बेस स्टैट्स एग्जैक्ट सेम है। फैक्ट नंबर 6, एनमे के अंदर फर्स्ट पोकेमॉन कौन सा था? एनी गेसेस कि वो कौन था? तो वो चाइजार्ड था। हाँ बिल्कुल, ये चाइजार्ड ही था, क्योंकि जापनीज एनमे ओपनिंग में चाइजार्ड को ही सबसे पहले दिखाया गया था, बट इंग्लिश डब के अंदर ये चेंज हो गया था। फैक्ट नंबर 7, एनमे के अंदर कैंटो स्टार्टर्स में से स्कोटल को ही सबसे ज्यादा ट्रेनर्स ने रखा है। फैक्ट नंबर 8, वॉर टर्टल की ईयर्स लाइट ब्लू कलर की है, बट वो रियलिटी में डार्क ब्लू कलर की होने वाली थी। इसी बात पे लाइक बटन को भी डार्क ब्लू कलर में चेंज कर दो। फैक्ट नंबर 9, ब्लास्टोइस जब मेगा इवॉल्व होता है तब वो अकेला ऐसा स्टार्टर पोकेमॉन होता है जो मेगा इवॉल्व होकर डुअल टाइप का ना हो। फैक्ट नंबर 10, जनरेशन 1 में कैटरपी घोस्ट टाइप पोकेमॉन को थोड़ा सा भी डैमेज नहीं पहुंचा पाती थी, क्योंकि उस टाइम उसके पास कोई भी ऐसे मूव नहीं थे जो घोस्ट टाइप पोकेमॉन को डैमेज पहुंचा सके, एंड इवन स्ट्रगल भी डैमेज नहीं पहुंचा सकते घोस्ट टाइप पोकेमॉन को। फैक्ट नंबर 11, जिम पोकेमॉन कार्ड सेट में मेटापॉड की कलर ग्रे होती थी इंस्टेड ऑफ ग्रीन, दिस इज वियर्ड। फैक्ट नंबर 12, बटरफ्ली फर्स्ट पोकेमॉन था एनिमे के अंदर जिसके पास एक अल्टरनेट कलर थी। हाँ मुझे पता है, ये सभी को मालूम होगा। फैक्ट नंबर 13, वीडल अभी तक का अकेला पोकेमॉन है जो एक भी नॉर्मल टाइप के मूव्स नहीं सीख सकते है, रियली। फैक्ट नंबर 14, ककुना का रियल नेम बीटा वर्जन में रखा गया था कोकून, जो उसके कैरेक्टर से बिल्कुल ही मैच करता है। फैक्ट नंबर 15, रियलिटी में वीडल की स्पेलिंग ये नहीं, ये होने वाली थी। फैक्ट नंबर 16, जापनीज मांगा के अकॉर्डिंग पीजी बेस्ड था पो 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 पे, इसलिए पिजी का जापनीज नेम भी पो 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 है। फैक्ट नंबर 17, पिज्जॉट बेस्ड है ओथोलेथी थाल पे, जो मुझे नहीं पता क्या है। फैक्ट नंबर 18, पिज्जॉट के मेगा फॉर्म में इसकी नॉर्मल टाइप में सबसे हाईएस्ट स्पेशल अटैक हो जाती है। फैक्ट नंबर 19, रैटाटा का बीटा वर्जन में नाम होने वाला था रैटाटैक, जस्ट लाइक आर्ट अटैक। फैक्ट नंबर 20, सारे टोटम पोकेमॉन में से टोटम रैटिकेट ही एक ऐसा पोकेमॉन था जो वर्जन एक्सक्लूसिव था। फैक्ट नंबर 21, स्फीरो लैनियर स्ट्राइक पे बेस्ड है जो पता नहीं क्या है। फैक्ट नंबर 22, फियरो और बीड्रिल के जापनीज नेम ऑलमोस्ट उल्टा है, क्योंकि जापनीज में बीड्रिल का नाम है स्फियर एंड फियरो का नाम है ऑनिड्रिल। फैक्ट नंबर 23, एकन्स को एनिमे के अंदर अभी तक पॉकेडेक्स स्कैन नहीं किया गया है। फैक्ट नंबर 24, आर्बोक उन गिने चुने पोकेमॉन में से एक है जिसका इंग्लिश एंड जापनीज नाम सेम है। फैक्ट नंबर 25, पिकचू एक लौता नॉन मिथिकल स्लैश नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है जिसके लिए कभी न कभी इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। फैक्ट नंबर 26, एक शॉकिंग चीज़ है कि पोकेमॉन येलो में भी लेस्को की तरह ही हम लोग अपने स्टार्टर पिकचू को रायचू में इवॉल्व नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 27, शैंशो के अलोलन फॉर्म जैसी टाइपिंग और किसी पोकेमॉन के पास नहीं है, दिस थिंग बनाती है इसको सबसे ज़्यादा यूनिक। फैक्ट नंबर 28, पोकेमॉन रेड एंड ब्लू के बीटा वर्जन में सैंड स्लैश का नाम था सैंड स्टॉर्म, क्या ये बात आपको मालूम थी? नहीं ना, नहीं ना, नहीं। फैक्ट नंबर 29, निडोएन फीमेल एक लौता पोकेमॉन है जो अपने ब्रीड करने की एबिलिटी इवॉल्व होने के बाद यूज नहीं कर सकता है। सैड लाइफ। फैक्ट नंबर 30, निडोइनो का शाइनी कलर सेम है निडोइनो के रेगुलर कलर से एंड निडोइनो का शाइनी कलर एग्जैक्टली सेम है निडोइनो के नॉर्मल कलर से। फैक्ट नंबर 31, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नीडो क्वीन ब्रीड नहीं कर सकता है,
देन म्यूटू रिटर्न्स वाली मूवी में हमें बेबी नीडो क्वीन दिखाया गया था, मतलब ये हो क्या रहा है। फैक्ट नंबर 32, नीडो एंड मिल अपना कैरेक्टर एंड कैटेगरी शेयर करते पोईपोल के साथ, क्योंकि इन दोनों ही पॉकीमोन को पॉइजन पिन पॉकीमोन कहा जाता है। फैक्ट नंबर 33, पॉकीमोन के सबसे पुराने मांगा कैप्सूल मॉन्स्टर में नीडोइनो को एंसेस्टर ऑफ पॉकीमोन फ्रेंचाइज बताया गया है। फैक्ट नंबर 34, एश के दो बेस्ट ड्राइवर गैरी एंड पॉल, इन दोनों के पास ही कैंटोनियन पॉकीमोन में से एक पॉकीमोन कॉमन है, वो है नीडो किंग। फैक्ट नंबर 35, क्लेफेरी को रशियन डब में एरिया कहा जाता है, बट सरप्राइजिंग बात तो ये है कि ओरिजिनल सीरीज में भी स्टार्टिंग में क्लेफेरी का रियल नेम एरिया ही रखा जाने वाला था। फैक्ट नंबर 36, क्लेफेबल अकेली ऐसी पॉकीमोन है जिसका ऑफिशियली अल्टरनेट प्रोनाउंसिएशन हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है, एंड वो वर्ड था किलफेला। फैक्ट नंबर 37, बाकी कई सारे पॉकीमोन की तरह वॉल्पिक्स का भी बीटा वर्जन में नाम कुछ और ही था, एंड वो नाम था फॉक्स फायर। फैक्ट नंबर 38, पॉकीमोन फ्रेंचाइज में 90s की फर्स्ट अपीयरेंस कब हुई थी, क्या ये किसी को पता है। तो 90s को फर्स्ट टाइम तब दिखाया गया था जब ब्लू ने इसको पकड़ा था एंड जिप बैटल में यूज किया था मांगा के अंदर। फैक्ट नंबर 39, जिगली पूफ एक स्लैंग वर्ड है एंड इसी चीज पे बेस्ड है जिगली पफ। फैक्ट नंबर 40, विगली टफ की एचपी स्टैट्स सभी फेरी टाइप में सबसे मैक्सिमम है। फैक्ट नंबर 41, जूबैट अभी तक शॉर्ट एंड शील्ड में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, बट फिर भी जूबैट की रेफरेंस हमें शॉर्ट एंड शील्ड के अंदर देखने को मिली है, आई मीन सोनिया के रूम के अंदर जूबैट की पिक्चर लगी हुई है। फैक्ट नंबर 42, गोलबैट एंड इसकी इवोल्यूशन फैमिली जैसी पॉइजन एंड फ्लाइंग टाइप की डुअल टाइप और किसी पॉकीमोन के पास नहीं है। फैक्ट नंबर 43, ऑडिश को ऐसा प्रोग्राम किया गया था कि वो चार्म ब्रीडिंग के थ्रू सीख सकते हैं, बट कोई भी ग्रास टाइप पॉकीमोन चार्म ब्रीडिंग के थ्रू तो नहीं सीख सकते हैं। फैक्ट नंबर 44, ग्लूम अकेले डुअल टाइप पॉकीमोन है जो सिंगल टाइप पॉकीमोन में इवॉल्व होते हैं। फैक्ट नंबर 45, वाइफ फिल्म रफेलशा अनोल्डी के साथ साथ रफेलशा केती पे भी बेस्ड है, हाँ दोनों का नाम लगभग सेम है पर तब भी ये अलग है। फैक्ट नंबर 46, जनरेशन 1 में पैरस एंड पैरासेक्ट अकेले ऐसे पॉकीमोन थे जो तीन टाइप से 4 टाइम्स वीक थे। फैक्ट नंबर 47, पैरासेक्ट के पॉकीमोन स्टेडियम पॉकेडेक्स कहती है कि ये पॉकीमोन रियल वर्ल्ड के चाइना में भी काफ़ी पहले मेडिसिन के तरह यूज़ किया जाता था। इसका मतलब ये है कि चाइना में किसी इंसेक्ट को टिकटॉक वायरस को हटाने के लिए यूज़ किया गया था। फैक्ट नंबर 48, फेरोनाथ एक बर्ग टाइप पॉकीमोन हो के भी एक फायर टाइप जिम लीडर ब्रेन के मेन टीम के अंदर एग्जिस्ट करता है। फैक्ट नंबर 49, वेनोमोथ बेस्ड है मॉर्फो पे एंड मॉर्फो ने इसका जापनीज नेम भी है। फैक्ट नंबर 50, एनिमे के अंदर ऐसा क्लेम किया गया कि डिक्लेट की स्पीड लाइट की भी स्पीड से ज़्यादा है, बट इसकी स्पीड स्टैट्स तो सिर्फ 95 ही है। फैक्ट नंबर 51, डॉक्ट्रियो जनरेशन 5 या उससे पहले तक जब भी पॉकीबॉल से इसको निकाला जाता था तब इसकी एनिमेशन पॉप आउट नहीं होती थी बल्कि ग्राउंड से फेड आउट होकर आता था। फैक्ट नंबर 52, म्योथ अकेला पॉकीमोन है जिसके पास एक से ज़्यादा रीजनल फॉर्म्स है। फैक्ट नंबर 53, पर्शियन की नेशनल पॉकेडेक्स नंबर एंड अल्टर सन एंड मून की पॉकेडेक्स नंबर बिल्कुल ही सेम है एंड वो है 53, और ये फैक्ट नंबर भी तो 53 है। फैक्ट नंबर 54, जुनिशी मशूदा ने ये रिवील कर दिया था कि लेट्स गो ईवी एंड लेट्स गो पिकचू में ईवी की जगह पे साइडक आने वाला था, बट पिकचू एंड साइडक की कलर बिल्कुल ही सेम थी, दैट इज़ वाई यहाँ पे कुछ मैटर हुआ होगा एंड साइडक को पिक नहीं किया गया। फैक्ट नंबर 55, गोल्डक के नाम में गोल्ड है पर तब भी वो गोल्ड कलर का नहीं है, तो इसका सिंपल से मतलब ये है कि गोल्ड को जापनीज में साइकिक भी कहा जाता है, दैट इज़ वाई गोल्डक साइकिक टाइप का है एंड इसका कलर गोल्ड नहीं है। फैक्ट नंबर 56, मैंकी द मंकी पॉकीमोन का डिज़ाइन किया गया था शिनसुके मियामोटो ने मोरिमोटो ने। फैक्ट नंबर 57, प्राइमेप जैसे पॉकीमोन ही रीजन थे इस कारण से पॉकीबॉल्स को बनाया गया था ताकि वो लोग तबाही ना मचा पाए, ऐसा पॉकीटो मॉन्स्टर द एनिमेशन नाम की एक नोवेल में लिखा गया है। फैक्ट नंबर 58, ग्रालुइट अकेला पॉकीमोन है जो ह्यूमन लाइक एक ग्रुप में तो है बट फिर भी उसकी जेंडर रेशियो 3:1 है। फैक्ट नंबर 59, पॉकीमोन रेड एंड ब्लू के बीटा वर्जन में आर्कनाइन का नाम कुछ और ही था, मेरा मतलब कुछ और नहीं था पर कुछ और था तो वो नाम था ब्लेज। फैक्ट नंबर 60, पॉलीवैक पॉकीमोन के फाउंडर शातोशी ताजेरी का फेवरेट पॉकीमोन था, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। फैक्ट नंबर 61, टोक्यो में जो पॉकीमोन सेंटर है उसके लोगों में पिकचू चार्मेंडे के साथ साथ पॉलीवॉय हुआ करता था बट उससे फिर पिपलप की जगह रिप्लेस कर दिया गया। फैक्ट नंबर 62,
पॉलीवैथ बोलता है जनरेशन 2 के गेम्स में कि वो एक फ्रॉग पॉकेमॉन में इवॉल्व होना चाहता है, जहाँ पे वो पॉलीटोड को इंडिकेट कर रहा है, बट ये कभी पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी इवॉल्व कर चुका है। फैक्ट नंबर 63, पॉकेमॉन रेड एंड ब्लू के बीटा वर्जन में आबरा का ओरिजिनल नाम था हुकस। फैक्ट नंबर 64, आबरा के हुकस नाम के बाद कडाबरा का भी बीटा वर्जन में नाम था पोखस। फैक्ट नंबर 65, एलेक्जाम का हाइट एग्जैक्टली सेम है ईथन के हाइट के बराबर। एंड या इसका नाम फोकस पोकस जैसे कोई चौकस नहीं है। फैक्ट नंबर 66, माचो फर्स्ट पोकेमोन था जिसका नाम किस स्पैनिश वर्ड से लिया गया है। फैक्ट नंबर 67, माचो की बेल्ट बहुत ही सिमिलर है पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट के विनर बेल्ट प्रॉप से। फैक्ट नंबर 68, माचैम को सबसे ज्यादा पोकेमोन्स का काउंटर पार्ट माना जाता है। फैक्ट नंबर 69, बेस्पाउट की स्पेशल डिफेंस सारे ग्रास टाइप पॉकेमॉन में से सबसे ज्यादा कम है। फैक्ट नंबर 70, वीपिंग बेल लीच लाइफ ब्रीडिंग से तो सीख सकता है, लेकिन यही मूव ये टीएम से नहीं सीख सकता है। फैक्ट नंबर 71, जनरेशन 1 एंड 2 में पॉकेमॉन के नाम 10 लेटर से ज़्यादा के नहीं हो सकते थे, दैट इज़ वाई विक्ट्री बेल के नाम में BELL के जगह पे BEL है। फैक्ट नंबर 72, बीटा वर्जन में टेंटेकूल को जिली नाम दिया गया था। फैक्ट नंबर 73, तो मानवर टेंटेकूल का बीटा वर्जन में अलग ही नाम था, वो था मानवर। फैक्ट नंबर 74, पॉकेमॉन ब्लू के अंदर जियोडूट का वेट सिर्फ 2 kg दिखाया गया था 20 kg की जगह पे। फैक्ट नंबर 75, पॉकेमॉन स्टेडियम के पीका कप में हम लोग ग्रैवलर को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गोलम या फिर जियोडूट को यूज़ नहीं कर सकते, पर ऐसा क्यों? फैक्ट नंबर 76, एस्विन को ग्रैवलर को इवॉल्व करने के लिए हम लोग को उसको ट्रेड करना होगा, देन वो गोलम बनेगा। बट यहाँ पे अगर हम लोग उसको ट्रेड नहीं करेंगे तो हम लोग उस गेम के अंदर यानी कि पॉकेमॉन रेड ब्लू एंड येलो के अंदर गोलम को देख तक भी नहीं सकते, क्योंकि इस गेम के अंदर किसी भी ट्रेनर के पास गोलम है ही नहीं। फैक्ट नंबर 77, पोइंटा आईफिल टावर के ऊपर भी कूद सकती है। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा इसकी पॉकेडेक्स कहती है। फैक्ट नंबर 78, रैपिडैश फेवरेट पॉकेमॉन था कैंटो पॉकेमॉन क्लब के चेयरमैन का। फैक्ट नंबर 79, बीटा वर्जन में स्लो पोक का नाम था स्लो मो। फैक्ट नंबर 80, स्लो ब्रो अभी तक का अकेला ऐसा पॉकेमॉन है जिसके पास मेगा इवोल्यूशन भी है एंड रीजनल फॉर्म भी है। फैक्ट नंबर 81, बीटा वर्जन में मैग्नामाइट का नाम था कॉयल एंड बाद में इसका नाम मैग्नामाइट में चेंज हो गया, बट जब पॉकेमॉन कंपनी ने बहुत ही बाद में थीम सॉन्ग रिलीज किया था मैग्नामाइट के ऊपर, तब उसके टाइटल में कॉयल वर्ड को मेंशन किया था उन्होंने। फैक्ट नंबर 82, कॉयल जैसे ही मैग्नेटन का भी बीटा वर्जन में नाम था रिकॉयल। फैक्ट नंबर 83, एनमे के अकॉर्डिंग फारफेच जैसे पॉकेमॉन को काफ़ी हंट किया जाता था, इसलिए इसको एनमे में काफ़ी रेयर मेंशन किया गया है। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि फारफेच को भी लोग फूड की तरह खाते थे। फैक्ट नंबर 84, डोडुओ के पास विंग्स नहीं है फिर भी ये स्टील विंग्स नाम के मूव सीख सकता है। वाह मोदी जी वाह। फैक्ट नंबर 85, डोडियो एंड डोडुओ अकेले फ्लाइंग टाइप पॉकेमॉन है जो फ्लाई यूज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सस्ते नशे करके पॉकेमॉन कंपनी ने ये टाइपिंग दी है। फैक्ट नंबर 86, सील बेस्ड है हार्प सील पे। हाँ, कोई और फैक्टिंग था तो यही बोलना पड़ा। फैक्ट नंबर 87, बीटा वर्जन में डिगोंग का नाम था मैनिटी। फैक्ट नंबर 88, कैंटो के एनमे में ऐसा दिखाया गया था कि ग्राइमर से बहुत ही गंदी स्मेल आती है, लेकिन रिसेंट एपिसोड में तो ग्राइमर अगर किसी के गले भी लग जाए तब भी कोई इसके स्मेल के बारे में शिकायत करता ही नहीं है, देन क्या ये लॉजिक ही क्या है? ट्रिप एनमे लॉजिक मैन। फैक्ट नंबर 89, मक उन दो पॉकेमॉन में से एक है, इसका इंग्लिश नाम सबसे छोटा है पॉकेमॉन में से। फैक्ट नंबर 90, ऐसा कहा जाता है कि शेल्डर स्लोब्रो के बॉडी में पॉइजन को ट्रांसफर करता है एंड ग्लारियन स्लोब्रो जबकि पॉइजन टाइप का है, तो फाइनली पॉकेमॉन कंपनी ने कुछ अच्छा लॉजिक लगाया और हम लोग अभी कह सकते हैं कि पॉकेमॉन लॉजिक्स अभी जिंदा है। फैक्ट नंबर 91, क्लॉयस्टर एंड मेगा स्लोब्रो की डिफेंस सभी वाटर टाइप पॉकेमॉन में से सबसे ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 92, गैस्ट्री पॉइजन टाइप का पॉकेमॉन है, बट लेट्स गो पिकचू एंड लेट्स गो ईवी से पहले तक ये लेवल अप होके कोई भी पॉइजन टाइप मूव नहीं सीख सकता था। फैक्ट नंबर 93, हॉन्टर को रेड एंड ब्लू के गेम्स के अंदर स्पेक्टर नाम दिया गया था। फैक्ट नंबर 94, गेंगार अकेला ऐसा नॉन स्टार्टर पॉकेमॉन है इसके पास मेगा इवोल्यूशन भी है एंड जैगेंटा मैक्स फॉर्म भी है। फैक्ट नंबर 95, ऑनिक्स अकेला अनइवॉल्व पॉकेमॉन है जिसको पॉकेमॉन वर्ल्ड टूर्नामेंट में यूज किया गया था। फैक्ट नंबर 96, राउजी का जापनीज नाम मिथिकल क्रिएचर बाकूक से इंस्पायर्ड होकर रखा गया है। फैक्ट नंबर 97,
ये सरप्राइजिंग बात होने वाली है कि हिप्नो उन चार पोकेमॉन में से एक है जिनको पूरी पोकेमॉन फ्रेंचाइज आने से पहले ही रिवील कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 98, रैबिट का नेशनल पॉकेटेक्स नंबर और स्वॉर्ड एंड शील्ड की पॉकेटेक्स नंबर सेम है, दैट इज 98। फैक्ट नंबर 99, किंगलर फीडल क्रैब पे बेस्ड है। फैक्ट नंबर 100, वर्ल्ड ऑफ अकेला नॉन फ्लाइंग टाइप पॉकीमॉन है जिसको डिक्स कैच करने के लिए यूज किया जा सकता है गेम्स के अंदर। फैक्ट नंबर 101, इलेक्ट्रोड अकेला ऐसा नॉन प्लेयेबल पॉकीमॉन है जिसके मूव्स एग्जैक्टली सेम है सुपर स्मैश ब्रोस एंड पॉकीमॉन टूर्नामेंट में। फैक्ट नंबर 102, एग्जीक्यूट डिराइव करता है वर्ड से तमागो जिसका मतलब है अंडा, जस्ट लाइक एग्जीक्यूट। फैक्ट नंबर 103, ऐश के दो पॉकीमॉन एनिमे के अंदर है जो एग्जीक्यूटर से फाइट करते करते इवॉल्व हुए थे। कमेंट करो कमेंट वो दो पॉकीमॉन कौन से है। फैक्ट नंबर 104, क्यूबॉन को ग्राउल मूव यूज करते हुए दिखाया गया था TCG के अंदर। उस टाइम क्यूबॉन की फेस रिवील हो चुकी थी एंड वो लगभग कंगस खान के बच्चे की तरह लग रहा था। फैक्ट नंबर 105, बीटा वर्जन में मैनोवैक का नाम गार्डियन था जो लैटिन वर्ड है गार्डिया का। फैक्ट नंबर 106, जनरेशन 2 में हिटमॉनली को 75 स्पेशल डिफेंस स्टैट्स पॉइंट्स मिले हैं जो अभी तक बिगेस्ट रिसीव स्टैट्स पॉइंट्स एवर है। फैक्ट नंबर 107, हिटमॉन टॉप से हिटमॉन चैन में इवॉल्व होने के लिए हिटमॉन टॉप का डिफेंस स्टैट्स से ज़्यादा होना चाहिए, बट इवेंचुअली ये हिटमॉन चैन में इवॉल्व होने के बाद बिल्कुल उल्टा हो जाता है। फैक्ट नंबर 108, लेकिटंग को बीटा वर्जन में नॉर्मल नहीं फाइटिंग टाइप दिया गया था। फैक्ट नंबर 109, कॉफिंग अकेले जनरेशन 1 का पॉकीमॉन है जिसका नाम किसी ऑफिशियल पॉकीमॉन म्यूजिक के अंदर है। फैक्ट नंबर 110, वीजिंग का पहले नाम LA होने वाला था जो ये इम्प्लाइज करता था लॉस एंजलिस के पॉल्यूटेड एयर को। फैक्ट नंबर 111, जनरेशन 6 के गेम्स में रायहॉर्न एंड चाइजर्ड की आवाज़ गेम्स के अंदर एग्जैक्टली सेम है। फैक्ट नंबर 112, एनिमे के अंदर पिकाचू रायहॉर्न को एक्टी टाइप मूव से हरा दिया था, लेकिन ये हो कैसे सकता है जबकि रायडॉन इम्यून करता है एक्टी टाइप मूव्स को। फैक्ट नंबर 113, चैंसी का नाम बीटा वर्जन में लकी था एंड वो सच में लकी ही था क्योंकि ये स्पॉन बहुत ही मुश्किल से होता था जनरेशन 1 के अंदर। फैक्ट नंबर 114, टैंगले का पहले नाम होने वाला था मेडूजा। फैक्ट नंबर 115, सभी कंगस कान 100% फीमेल जेंडर के होते हैं, बट यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होती है कि डिटो से ब्रीड करने के बाद इनके ऑफस्प्रिंग मेल क्यों नहीं होते हैं। फैक्ट नंबर 116, जबकि हॉलसी को ड्रैगन पॉकीमॉन कहा जाता है लेकिन वो ड्रैगन पॉकीमॉन है नहीं, तो जनरेशन 1 में पॉकीमॉन कंपनी ने हमें रेफरेंस दे दिया था कि ड्रैगन टाइप इसके साथ कुछ ना कुछ रेफरेंस रखने वाला है जो जनरेशन 2 में हम लोग को दिखा, क्योंकि इसका जो लास्ट इवोल्यूशन है किंगड्रा वो लास्ट में आके ड्रैगन टाइप का हो गया। फैक्ट नंबर 117, सीटा अकेली ऐसी नॉन पॉइजन टाइप पॉकीमॉन है जिसके पास पॉइजन पॉइंट एबिलिटी है। फैक्ट नंबर 118, गोल्डिन को शिनो पॉकेटेक्स नंबर एंड जोटो पॉकेटेक्स नंबर एग्जैक्टली सेम है एंड दैट इज 78। फैक्ट नंबर 119, सीकिंग को एक प्रोटोटाइप नाम भी दिया गया था एंड वो नाम था नेपट्यून। फैक्ट नंबर 120, स्टायो उन गिनीचुअल पॉकेमॉन में से एक है जो जर्नलिस्ट होने के बावजूद अट्रैक्ट मूव सीख सकती है। फैक्ट नंबर 121, स्टार्मी रिसेंबल करती है स्टार ऑफ इस्ट्रा को जिसको क्वीन ऑफ हेवन भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 122, पॉकीमॉन रेड एंड ब्लू के इन गेम ट्रेड के अंदर मिस्टर माइम को निकनेम किया गया था मार्शल एंड पॉकीमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड के वाइंडॉन में एक लड़का बोलता है कि उसके पास किसी और रीजन का पॉकीमॉन था जिसका नाम था मार्शल, तो क्या वो रेड एंड ब्लू के मिस्टर माइम को रेफर कर रहा था। फैक्ट नंबर 123, साइथे अलॉन्ग विद सिजॉल उन तीन पॉकीमॉन में से एक के जिनको सभी ऑफिशियल पॉकीबॉल के अंदर पकड़ा जा सकता है इन गेम्स। फैक्ट नंबर 124, जिंक्स की पॉकीमॉन गेम्स के अंदर क्राई सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है विच इज़ फॉर 2.238 सेकंड्स। फैक्ट नंबर 125, इलेक्ट्रोबर्स्ट के 6 फिंगर्स दिखाए गए पॉकीमॉन स्टेडियम में बट बाकी सारे गेम्स में इसके सिर्फ 5 ही फिंगर्स है। फैक्ट नंबर 126, पॉकीमॉन XT के अंदर क्रॉस टॉप मूव सिर्फ अवेलेबल था मैग्मार के लिए ही एक्सक्लूसिव। फैक्ट नंबर 127, साइथरा एंड सिजॉर के साथ पिंसर ही एक ऐसा पॉकीमॉन है जिसे सभी 27 पॉकीबॉल्स के अंदर पकड़ा जा सकता है। फैक्ट नंबर 128, पॉकीमॉन सन एंड मून के अकॉर्डिंग टोस्ट को डिजाइन किया गया था शिंगेकी मोरिमोतो के द्वारा। फैक्ट नंबर 129, मैजिकार्प के लिए थीम सॉन्ग एक नहीं दो बार अपलोड किया गया पॉकीमॉन कंपनी ने। फैक्ट नंबर 130, गैरडॉस सबसे कॉमन पॉकीमॉन है जो चैंपियंस के पास होता है।
फैक्ट नंबर 131, लैपिस उन ग्रिंच ने पॉकियन में से एक है जो टेलीफैथी के द्वारा ह्यूमन से बात कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 132, लिटो अकेला नॉन प्लेएबल कैरेक्टर है जिसको सुपर स्मैश ब्रोस में एक मूव के साथ ही डिफीट किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 133, जनरेशन 1 के अंदर ईवी अकेला पॉकीमन था जिसके पास ब्रांच इवोल्यूशन था। फैक्ट नंबर 134, वेपोरियन अकेला वाटर टाइप पॉकीमन है जो पार पार्क के अंदर फील्ड सेक्शन में अपेयर होता है। फैक्ट नंबर 135, वेपोरियन एंड जैपटॉस का जापनीज नेम ऑलमोस्ट सेम है, बस एस के डिफरेंस है दोनों के नेम के अंदर। फैक्ट नंबर 136, फियरियन की सभी इवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बेस स्टैट्स है। फैक्ट नंबर 137, पॉलीगॉन अकेला पॉकीमॉन है जो लेवल 1 पे दो बार इवॉल्व हो सकता है। फैक्ट नंबर 138, बीटा वर्जन में ऑमोनाइट का नाम इस है जो फ्रेंच वर्ड है स्नेल के लिए। फैक्ट नंबर 139, ऑमास्टार अकेला फॉसिल पॉकीमॉन है, इसका एक्सटिंक्शन के कारण हम लोगों को एनिमे के अंदर दिखाया गया है। फैक्ट नंबर 140, काबुटो को ओरिजिनली एट नाम दिया गया था एटलांटिक से जो डिराइव करता है। फैक्ट नंबर 141, काबुटोप्स को ओरिजिनली लैंटिस नाम दिया गया था और काबुटो का एट एंड काबुटोप्स का लैंटिस को कनेक्ट करे तो बनता है एटलांटिस। फैक्ट नंबर 142, एरोडेक्टाइल लैंस का अकेला ऐसा पॉकीमॉन था जो ड्रैगन टाइप का नहीं था। फैक्ट नंबर 143, फेंट होने के बाद सभी पॉकीमॉन्स अपना आँख बंद कर लेते हैं पर पॉकीमॉन स्टेडियम में फेंट होने के बाद स्नोलैक्स अपना आँख खोल लेता है। फैक्ट नंबर 144, आर्टिकुनो अकेला लेजेंडरी पॉकीमॉन है जो एक एक्यूरेसी स्टैट्स रेसिंग मूव एंड एक वन हिट नॉकआउट मूव दोनों साथ में ही सीख सकता है। फैक्ट नंबर 145, जैपटॉस को हम लोग सिर्फ दो बैच के बाद ही पॉकीमॉन के गेम्स में ऑप्टेन कर सकते हैं, बट सिर्फ पॉकीमॉन लेट्सको ईवी एंड लेट्सको पिकचू में। फैक्ट नंबर 146, मॉर्ट्रिस का जापनीज सीरीज के अंदर काफ़ी सिंपल सा नाम है एंड वो है फायर। फैक्ट नंबर 147, ट्रटिनी का ओरिजिनल नाम ड्रैगून था, यस यहाँ से बेब्रिड की वाइफ्स आ रही है। फैक्ट नंबर 148, डैगनाइन नाम का एक एयरलाइन भी था जो हांगकांग में पहले एग्जिस्ट करता था। फैक्ट नंबर 149, पॉकीमॉन येलो में ड्रैगनाइट की कैच रेट 45 से सीधा 9 कर दी गई थी जो काफ़ी हार्ड बनाती थी इसको फिर कैच करने के लिए। फैक्ट नंबर 150, एनिमे के अंदर हमें दिखाया गया था कि एक ही म्यूटू एग्जिस्ट करते हैं बट एनिमे के अंदर ही ऐसा दिखाया गया था कि मल्टीपल म्यूटू क्रिएट हुए हैं। फैक्ट नंबर 151, म्यू जनरेशन 1 का अकेला ऐसा पॉकीमॉन है जो पॉकेट ऐप के अंदर नहीं है। सो यह बड़ी सही भी फिनिश होती है हम लोगों की 151 कैंटो पॉकीमॉन फैक्ट्स, इसीलिए वीडियो को लाइक करो अगर नहीं किया अभी तक तो, एंड प्यूडीपाई को आना है तो सब्सक्राइब करो मैन सब्सक्राइब, ऐसे कैसे चलेगा। आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर से जरूर बताना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन दिस इज योर बॉय पॉकीमॉन गैलेक्सी साइनिंग आउट।